उस पिच पे और लेदर की बॉल हाथ में लेने के बाद कुछ अलग सिस्टम हो जाता है। राम राम भाई सारे मण भैया ने। और यार व्लॉग के लिए सॉरी, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया व्लॉग, मतलब काफ़ी दिन हो गए डाला नहीं। उसका रीज़न ये है, एक तो मैं काम में बिजी रखा था और दूसरा मैं कहीं बाहर भी नहीं गया, तो कुछ था नहीं मेरे पास डालने को टू बी ऑनेस्ट। बट आज संडे है तो सोचा कुछ कर लेते हैं, घूम आते हैं कहीं। घूम तो क्या आते हैं, एक दो काम है वो काम निपटाने हैं। तो मैं और आशीष हम दोनों आज गुड़गांव जा रहे हैं, सामान लेना है, वो आपको पता लग जाएगा क्या ले रहे हैं हम। और मेनली तो वही काम है, बाकी कुछ और घूम फिराई भी हो जाएगी कि तब रेन पर चले गए, वो देखो क्या बनता है। बट अब उसको मैं लेने जा रहा हूँ, वो रेडी हो रहा है और उसको लेके और फिर हम वहाँ से निकलेंगे गुड़गांव। ठीक है, तो चलते हैं यार, फिर रास्ते में मिलेंगे। ठीक है गाइस। तो भाई एक बात और, या जो शर्ट है मेरी, या बहुत पुरानी शर्ट है, आशीष पक्का टोकेगा, मैं भाई लिख कर दे सकूँ इस बात ने, वो 100% टोकेगा, तो फिर पह रहा है। पर मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है और वैसे इसका जो डिज़ाइन और शेड है वो मेरे को पसंद भी है, तो इसलिए पहनता हूँ। बाकी ये बहुत ज़्यादा ना डल सी होगी अब तो, क्योंकि बहुत पुरानी है, कई पे पैर ली मना है, कई पे हजारा पैर ली होगी। और दूसरा रीज़न ये है कि ये बहुत कंफर्टेबल भी है, तो इसलिए पहनता हूँ मैं। तो आज पर वो टोकेगा मैंने जरूर, 100% मैं लिख के दे सकूँ इस बात में। और भाई यो बेरानी के करण लग गया, भगवान जाने, मतलब मेरे नीचे मुझे माता 11 बजे निकलना था, 12 बज गए, कोडन जावांगे, कोडन काम होंगे, कोडन उल्टे आओगे, पर इसका रोज का हमेशा गया लेट होने का, मारा रोला इस बात पर आ गए। हालांकि मैंने ना कहता मैं 100% पंचुअल हूँ, पर 99% तो हूँ, मतलब 99 बार तो मैं टाइम पर आया करूँ, सो मैं गया एक आधी वो हो जाए हाँ लेट जाओ मानस, तो पंचुअल मानस आ गया। नॉन पंचुअल मानस बहुत छेद दिया करें, मेरे को इरिटेशन होने लग जाती है भाइयों। एक रीज़न और है ब्लॉग पोस्ट ना करने का, 20 दिन हो लिए यार, मतलब तबीयत ढीली है चल रही है मेरी, 20 तो भी ऊपर हो लिया मन माने, बीच में दिवाली आ गई फिर उसमें और ख़राब हो गई थी, वो धुआं वगैरह की वजह से दिक्कत हो जाए मेरे, और ना तो कद खांसी, कद जुकाम, कद चेस्ट कंजक्शन, कुछ ना कुछ रह है, और काम भी संभालना हो फिर उस हिसाब में, तो फिर जी सा ना करता ना टाइम मिलता है एडिट करने का, फिर 8-9 घंटे उसमें सिस्टम आगे बैठ कर फिर मेरा न्यू हो जाया है कि तो लोग एडिट करूंगा, इब तो इसका आगे तो उठा हूँ मैं ही, फिर बैठ जाऊँ लोग एडिट करने, तो फिर कोई किसी दो एडिटर हो तो बता दो भाई। हाँ गावड़ी बंद होगा, पकड़िए पानी की बोतल पकड़े, एक बार पानी कितना भी ले रहे हूँ उधर ही, बढ़िया चल तेरे तो कह रही इतना पानी, तेरे तो उम्मीद ना थी यार तू भी पानी ले पाओगा, मैं तो ना ले आ रहा हूँ, मम्मी डालते हैं, अच्छी बात है भाई पानी जरूरी है, छका दे मानस ने बाट देखा देखो मैं और मैं तू खाली पेट नहीं रहना चाहिए, आदमी छिका है बढ़िया, वो आदमी तो भाई वो तो मैं खा रहा था करते, तू ऊपर तो और हो गया, तू और हो गया, तेरे गुलाब जामुन दे रहा कल के लिया नाइव तो के गुलाब जामुन लोग लोग में शर्मांता ना ना तो कह दे भाई यहां ले आ, चल भाई चलो चलो कितने का यो, तो वो खेल रहा है ना वो वार्नर, मेरे ख्याल में कई खेल है ना वार्नर का है ना, 55,000 का ये नो को रखा है, इस तो जयो ले ना गौरव तो 1,00,000 रन बना लिए 6 महीने में जब वसूल होंगे। भाई इतने बैट दिखा दिए, मैं तो चूज कर नहीं सकता हूँ भाई साहब, क्यों दुखी हो रेंट जो ना ना सही मैं हम दुखी हो जाए कि आप हो जाओगे, बाहर का व्यू दिखा दूंगे, लो सब छोड़ दो सब गेम ले भाई, भाई साहब ने तोड़ निकाल दिया, इसने लिख क्या भेजा था मेरे तो रहे देखो एक बार, ग्रेड 1 इंग्लिश विल लो स्ट्रेट ग्रेन्स 9926 लॉन्ग पिंग एरिया और स्वीट स्पॉट थिक एज 25-30,000 रुपया होगा, जो जो उसने लिख के भेज रखा है वो है ग्रेड 1 सारी चीज, ठीक है भाई ना 15 में देने लग रहा है पुराना मतलब यूज्ड करे और बैठ नो को रखा है बता दे नहीं तो खेल रहे मैच खेल रहे मेरा जिम चल गया इतने बैट देख के भाई इतने बैठा मैं तो कौन आज फाइनल होगा 25 बैट देख लिया यार चश्मा के लिए अच्छा भीतर बैट पर रहा
तो हम आए हुए हैं भाई अभी पुलिस लाइन भोंडसी, यहाँ पे अपने भाई साहब हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, तो इनके पास मतलब क्रीम जो आ रहा ना, क्रीम कलेक्शन आ रहा है बैट्स की। तो मैं आ जाऊँ करो तो उड़े तो दुआ के लाऊंगा, शोरूम शारूम के चक्कर में था मैं कि तो दोनों भाई ठग का होंगे, तो जहाँ मेरे दीपू भाई नाड़ ले आए थे। और ये कनाडा की टीम निकल चुकी है, बैक यार्ड की टीम साहब ने किठा रखा है हेलमेट और बैटर बॉल, मेन खिलाड़ी भी तो हो ना टीम का, ये भी तो फर्क तो पड़ा देखो। अब ये वो है 12th person 13th person, ये वो एक्स्ट्रा, ये तो वो ग्राउंड में इशारा नहीं मारा करें, हाँ भाई संभाल लेगा छोटू दूसरा पेड लेगा। दीपू भाई का बहम काट दूंगे, छे बोल्ड कर देगा, छे बोलो में सिर्फ बोल्ड की शर्त है, छे बोलो में बोल्ड करना है। और सुन 10 साल हो गए ना खेल ले, तू छे बोल में साइड हट जाऊंगा, तू किलियां पे मार के दिखा दिए, छे की छे, चल छे में से 4 बॉल विकेट के मार दियो, मैं साइड खड़ा हो जाऊंगा। लगता है भाई उस पिच पे और लेदर की बॉल हाथ में रहने के बाद कुछ अलग सिस्टम हो जाता है, ये तो बात मानते हो भाई, पार्क और क्रिकेट वाली टेनिस बॉल अलग है, इसका वेट ये लगे यार, रख दे जल्दी बंद कर। सफारी ला रखी हो तेन कह दिया भाई, याद हम के चला कर, याद तू चलाए अपनी भी मेरे ते चलवा में ही। हाँ तो भाई सामान सामून ले लिया है और रोहतक जाना था, पर वह है जो मेन काम है इलेक्शन का वो तो करना है, तो आड़े इलेक्शन खातर आ रहे हैं कैंपेनिंग खातर। बाकी सामान मैं तुमने दिखा दूँ, जो सामान लिया हमने आड़े गाड़ी में इधर रखा है। हाँ तो भाई राम राम भाई, सारे बाण भाई आने दोबारा देख भाई, और उड़े जब मैंने थर दू कही गाड़ी में एक मैं तुमने सामान दिखाता हूँ, तो मैंने डिक्की खोली सामान दिखाने वाली, अरे वो इतने मच्छर थे उड़े जित गाड़ी खड़ी थी, मतलब गाड़ी सुधा हमने उठा ले जाए मच्छर, इतने मच्छर थे। तो उड़े फिर मैंने प्रोग्राम रद्द कराया, मैं घर आए चल के सामान दिखाऊंगा, तो लेट तो हम काफ़ी हो गए हैं, अब घर पे आया था कपड़े वपड़े चेंज करे हैं। तो सामान जो मैं आज लाया हूँ अपना क्रिकेट का सामान लाया हूँ मैं, मैंने नू नहीं बेरा मैं ये कितना बरतूंगा, और यही क्वेश्चन मेरी मम्मी का था, तू ला के गेरने का आया तने यूज़ नहीं करना। पर वह है कई दिन आते मेरा एक दोस्त भी है कैनेडा, वो भी कहने लग रहा था अच्छा उसका भी थोड़ा सामान लेना था, तो ये फैक्टर था, तो इसलिए मैं कहा भाई चल अपना भी ले आऊँगा। तो बेसिकली कल से मैं खेलना शुरू करूँ, तो भाई जो मैं लाया हूँ मैं वो दिखाता हूँ तुमने। तो सबसे पहला सबसे मेन चीज़ छोरी आने का इंटरेस्ट ना होगा, पर आजकल तो छोरी भी खेल रहे हैं, तो वो बैट लाया हूँ भाई एस जी का, सनी टनी आइकन करके है, और मतलब ठीक है स्टार्ट करने के लिए अच्छा बैट है, सही है अपना, इबा तक नॉक भी ना हो रहा, मारांगे तो अजीब सी आवाज आओगी, मतलब नॉक हो की अलग आवाज आ जाए अगर, तो इसमें नॉक करना आई भाई, वो मतलब खेल के नॉक करूंगा, बिना खेले तो नॉक करा के जाए। ग्लव्स ठीक है, ये ग्लव्स मेरा फेवरेट रंग तुमने बेरा है, गाड़ी लाल ले रहा हूँ मैं, तो ग्लव्स तो लाल रखने हैं मैंने, तो ये ग्लव्स लेके आया हूँ। और ये बॉल हालांकि मैंने तो एक कर लेनी थी, पर मैं कहा चल कोई ना दो ले लें, हाँ दो बॉल बतेरी हैं ठीक है। और अब का तो मेरे को पता नहीं भाई, पर जब मैं खेलता था तो दोनों चीज़ें कराता था, बॉलिंग भी और बैटिंग भी करता था, इवन ही मेरा मन मान एक भी ना हो भाई इतना, तो दो बॉल भाई ये होगी। तुमने एक याद है मेरे पीछे व्लॉग में देखी होगी, मैं लॉर्ड्स गया था यूके था जो, वहाँ से भी एक बॉल लेके आया था, पर वह कैनेडा ही रहेगी बॉल आड़ा ना लेकर आ रहा मैं उस बॉल ने, और मतलब लानी भी ना, देखो प्लान ना था कि क्रिकेट का जी कर जाएगा खेलने लाग जाएंगे, तो ऐसा कोई प्लान था नहीं, तो मैं लेकर भी ना बात आता है भाई। हेलमेट सेम जिस चीज़ का बैट है भाई, सेम कंपनी है एस जी का हेलमेट लेकर आया हूँ मैं, यो हेलमेट है भाई, और इसकी अभी वो यहाँ पे जो आगे ग्रिल आती हैं या जो भी के मैं उन्हें बोल रहे हैं वे मैंने सेटअप करनी है, पर ये पता घनी जरूरत को ना हेलमेट की, तो जब जरूरत पड़ेगी जब कर लेंगे सेटअप। उसके बाद आते हैं भाई थाई पैड, ये थाई पैड है मैंने पहले कभी यूज नहीं करे हुए, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं खेल लिया करते होया तो करते, पर कदे जरूरत ना पड़ी बर्तन की ना कदे बरते, तो ये थाई पैड है, तो ये भी बहुत जरूरी होते हैं भाई प्रोटेक्शन, साथड़ा बोल लागे बेरा पटन लगना। और भाई अब लास्ट तो नहीं कहूँगा ठीक है, एक दो चीज़ और छुटमुट, पर ये मेन चीज़ जो पैरों की होती है पैड ठीक है, तो दो ये पैड लेकर आया हूँ मैं, और ये SSK हैं, इतनी अच्छी कोई ब्रांड नहीं है ये आई थिंक,
पर ठीक है, फिनिशिंग अच्छी लगी, मतलब टक्के टुक्के सही लाग रहे हैं, तो अपना बढ़िया काम चल जाएगा। और पैड का तो यूं बोलते हैं भाई, 5-6 साल तक आराम तक काट जा रहा, कोई दिक्कत ना होती। तो भाई यो सामान लेकर आया हूँ मैं कल, और सब कुछ मिला जुला के, और ये पड़ा है मेरे को 16,000 का। बैट जिसमें से सबसे महंगा है, बैट पड़ा है, का MRP तो मेरे ख्याल से 14,000 है, कितना है, हाँ 14,000 है, पर वो भाई जानकार था, तो मखा सामान भी सही मिल जाएगा और थोड़े बहुत पैसे भी कम हो जाते, बढ़िया बात से। तो उसने बैट वैसे MRP 14 का है, उसने 10,000 का बैट लगाया है, बाकी 1500 के ग्लव्स और पैड है, 3,000 ही, और ये सारा नू मिला जुला गया 16,000 का पड़ा है। और किट बैग मैं लेके नहीं आया, किट बैग जो उस भाई के पास थे वो किट बैग मेरे को पसंद नहीं आए, तो इसलिए मैं लेके भी नहीं आया। मां चल कोई ना, किट बैग तो दोबारा ऑर्डर हो जाएगा, अमेजोन तो हो जाएगा, कि और तो हो जाएगा, बढ़िया किट बैग, बढ़िया ट्रॉली बैग चाहिए था किट बैग, मैंने अग पाछे टांगना ना पड़ा है, तो ट्रॉली बैग अपना मंगावांगे अमेजोन तक, तो और और मेरा जो दोस्त है कैनेडा में जिसने मेरा आड़ लाई, उसका बैट ले नहीं पाया, वो सोया था उस टाइम पे, रात हो रही थी, कैनेडा मैंने फोन करा था, तो उसका मैं ले नहीं पाया, पर वो उन्होंने कहा मैं भिजवा दूंगा, वो उसका कोई और नॉन हार्ड की तो जालंधर साइड ये फैक्ट बना है बैट बूट फैक्ट्री में, तो वो कह रहा दो बैट मैं भिजवा दूंगा। ये मेरा नू ना समझ मारा, अक मैं अपना सामान कपड़े यार जो लाया हूँ दो बैग वे लेकर जाऊंगा, अग यो किट बैग वाला सामान लेके जाऊंगा, और मैंने न्यू भी नहीं बेरा अकूट जाग मैं कितना खेल पाऊंगा। तो वैसे याद एक जिद थी भीतर मैं खा लिया वहां कोई ना क्रिकेट का ही तो सामान है, खेल लिया जाएगा बरतिया जाएगा, तो बस ले आए। तो भाई यो सारा सामान है, ठीक है, इब मन करते ही दिखाया था, विकेट वगैरह हैं जो वे मन जरूरत महसूस ना हो, अगर हो ही महसूस और खेल लिया मैं इतने लेवल प्रोफेशनल लेवल तक या कैनेडा में लेने की जरूरत पड़ेगी तो उड़े ले लेंगे, उड़े मिलने ये सारी चीज, पर यो भाई सारा सामान है, ठीक है भाई। तो यो सारा आज का ब्लॉग था, अगले ब्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्दी होपफुली, मतलब काम भी है यार, काम में बिजी रहूँ मैं, तो यो भी रास्ता हो जाए है ब्लॉग वगैरह, अब तो बहुत टाइम हो गया ब्लॉग बनाए, काफ़ी दिन हो गए मेरे ख्याल से, दो हफ्ते तो हो गए ब्लॉग डाला नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। और जो मैं अपना यो जो प्रैक्टिस वैक्टिस या जो भी मैच मूच होंगे अगर हो सका तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी ब्लॉग कर लूँ, बाकी भाई टाइम बताएगा मेरे को कितना टाइम मिल पाएगा और कितनी ब्लॉगिंग हो पाएगी, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड सी यू गाइस, टेक केयर।